भीषण गर्मी के मौसम में सरकारी योजनाओं पर अधिकारी कैसे पलीता लगा रहे हैं, इसकी बानकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटाहल्दू में देखने को मिल रही है। दरअसल लालकुआं में पानी की समस्या को देखते हुए जल आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि एक वर्ष पूर्व 7,57,000 की लागत से उत्तराखंड पेयजल निगम ने सोलर ड्यूल पावर हैंडपम्प लगाया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद हैंडपम्प खराब हो गया, जिसको दुरुस्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद 3 महीने पहले पेयजल निगम अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया, लेकिन अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। हालांकि वैकल्पिक रूप से पेयजल निगम टैंकर से पानी उपलब्ध करा रहा है। वहीं मामले में ग्राम प्रधान संगठन की प्रदेश सचिव सीमा पाठक ने चिकित्सा अधिकारियों से मिलकर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान प्रदेश सचिव सीमा पाठक ने कहा कि लंबे समय से हैंडपंप खराब पड़ा है, जिसकी शिकायत कुमाऊं कमिश्नर से की जाएगी, यदि उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलन किया जाएगा। पिछले कई दिनों से इसमें पानी की समस्या आ रही है, जिसमें इसके द्वारा पानी अभी हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो क्या इसमें अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है? इसमें 2-3 बार अवगत कराया गया हमारे द्वारा, और वहाँ के अधिकारी हमारे पास आए भी थे इसके लिए, तो वो ये कह रहे थे कि शायद इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कितना लंबा सर जो लेटर लेके आए थे वो लगभग 2-3 महीने तो उसको हो ही गया। तो क्या ये तो विभागीय चीजें हैं, बाकी हम अपनी तरफ से व्यवस्था करवाते हैं टैंकर के थ्रू, जल संस्थान के थ्रू उनके द्वारा हमें टैंकर उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन समर सीवर अभी नहीं चल रहा। मोटाहल्दू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विगत कई समय से समर सेवल जो बनाया गया था हमारे पूर्व विधायक जी के द्वारा, वो खराब पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी में पेयजल सप्लाई में काफ़ी परेशानी है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कई पेशेंट्स आते हैं, जो डिलीवरी केस आते हैं, मरीज हैं, तो पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पा रही है और वो काफ़ी समय से खराब पड़ा हुआ है। तो अगर इसमें इन लोगों ने उचित कार्रवाई नहीं करी तो फिर हम इसमें एक्शन लेने को बाध्य होना पड़ेगा।